जो बाबा ने हमें दिया है उसको इमर्ज करेंगे, उसको लेकर हम आज ये मुरली पढ़ेंगे। उससे उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बाबा ने क्या क्या चीज़ें कही हैं उस तरह से आज हम उसको लेंगे। तो जो मुरली का टाइटल जैसे कहा प्लेन याद से प्लान्स की सफलता, तो फर्स्ट पार्ट में बाबा ने हमें कुछ वायदे कराए थे, जिसमें बाबा ने पांच चीज़ों के लिए हमें अटेंशन खिंचवाया था। बाबा ने कहा था एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता, और बाबा ने मन, वाणी और कर्म से महानता की बात का वायदा हमसे लिया था। तो इसमें बाबा ने जो आज की मुरली से विशेष जो है, बाबा ने हमें एवर रेडी होने का जो पाठ पढ़ाया है। बाबा कह रहे हैं कि जो हमारा जो शरीर से भी जो लगाव है, जो हमारा ये चोला, ये भी लूज होना चाहिए। और साथ में बाबा ने हमें संगमयुग का जो हमारा गायन है न्यारा और प्यारेपन का, उसके ऊपर हमें आज शिक्षाएं दी हैं। कि बाबा ने भी कहा है कि सन सोल फादर, बाबा ने कहा है सर्विस में जो है माता पिता जो है बैकबोन है, और बच्चों के द्वारा ही सर्विस का पार्ट होना है। बाबा ने कहा है कि माता पिता का जो है सर्विस में पार्ट नहीं है। साथ में बाबा ने हमें सर्विस में क्या क्या नवीनता लानी है, और पहले जो सर्विस थी और आज की जो सर्विस है उसमें क्या फर्क है और क्या नवीनता लानी है, उसके बारे में बाबा ने हमें अटेंशन खिंचवाया है। और साथ साथ में बाबा ने हमें जो लास्ट के जो पेपर हैं, हमारा मीठा बाबा पहले हमें हमारे लास्ट के जो पेपर आने हैं उसके बारे में हमें पहले ही जो है अटेंशन खिंचवा रहे हैं, और वो भी बाबा ने हमें जो क्या फाइनल रिजल्ट निकलेगा उसके बारे में बाबा ने हमें आज की मुरली में डिटेल से बताया है। तो आज हम फिर आज की मुरली शुरू करते हैं, जो आज की सेकंड पार्ट है। ओम शांति। सभी अव्यक्त स्थिति में अव्यक्त बाप दादा के द्वारा उच्चारे हुए महावाक्य को सुनते हैं। बाबा ने कहा, मैं जो पिछला जो जहां से छूटा था वहीं से शुरू कर रहा हूं। ओम शांति। बाबा ने कहा कि यही संगम युग का गायन होता है कि कैसे रहते हुए भी न्यारे थे, तब ही एक सेकंड में न्यारे हो गए। मैं जो स्क्रीनशॉट से पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं किताब में जो हमें टिक किया था, मैं इसकी इसी से मोबाइल से जहाँ स्क्रीन शेयर हुई उसी से पढ़ रहा हूँ। बाबा ने कहा, इसलिए जैसे कोई भी बंधन से मुक्त होते, वैसे ही सहज रीति शरीर के बंधन से मुक्त हो, नहीं तो शरीर के बंधन से भी बड़ा मुश्किल मुक्त होंगे। फाइनल पेपर है अंत मति सो गति, अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाएं, यह है पास विद ऑनर की निशानी। बाबा हमें हमारे जो पास विद ऑनर की निशानी है, अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाएं, लेकिन वह तब हो सकेगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। टाइटनेस का अर्थ है कोई से लगाव। इसलिए अब यही सिर्फ एक बात चेक करो, ऐसा लूज चोला हुआ है जो एक सेकंड में इस चोले को छोड़ सके। बाबा हमें चेकिंग के लिए कह रहे हैं कि हमारा को जो ऐसी कोई बात तो नहीं रहेगी, ऐसा कोई संस्कार तो नहीं है जो हमें अंत में खींच ले। अगर कहाँ भी अटका हुआ होगा तो निकलने में भी अटक होगी। इसी को ही एवर रेडी कहा जाता है। ऐसे एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। ऐसे एवर रेडी वही होंगे जो हर बात में एवर रेडी होंगे। प्रैक्टिकल में देखा ना, एक सेकंड के बुलावे पर एवर रेडी रह दिखाया,
ब्रह्मा बाबा ने अपना एग्जाम्पल दिया है, हम सब सामने रखा है। बाबा कहते यह सोचा क्या कि बच्चे क्या कहेंगे, बच्चों से बिगर मिले कैसे जाएं, यह सोचा, ऐलान निकला और एवर रेडी। छोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है, इसलिए यह कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। ये बाबा हमें एक होमवर्क की तरह दे रहे हैं कि चोले से इजी होने से चोला छोड़ना भी इजी होता है, इसलिए यह कोशिश हर वक्त करनी चाहिए। यही संगम युग का गायन होगा कि कैसे रहते हुए भी न्यारे थे। यह बाबा कहते हैं तब ही एक सेकंड में न्यारे हो गए, बहुत समय से न्यारे रहने वाले एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। ये भी बाबा हमें कह रहे हैं कि जिनका बहुत समय का ये अभ्यास होगा वही एक सेकंड में न्यारे हो जाएंगे। बहुत समय से न्यारापन नहीं होगा तो यही शरीर का प्यार पश्चाताप में लाएगा। वो कहते हैं कि किस में लाएगा, पश्चाताप में लाएगा, इसलिए इससे भी प्यारा नहीं बनना है। इससे जितना न्यारा होंगे उतना ही विश्व का प्यारा बनेंगे, इसलिए अब यही पुरुषार्थ करना है न्यारा और प्यारा होने का। ऐसे नहीं समझना है कि कोई व्याधि आदि का रूप देखने में आएगा तब जाएंगे, उसमें अपने को ठीक कर देंगे। कई बार हम अलविहले हो जाते हैं कि जब व्याधि वगैरह लगेगी शरीर में तब हम यह अभ्यास कर लेंगे। नहीं, बाबा कहते हैं ऐसी कोई बात नहीं है, पीछे ऐसे ऐसे अनोखे मृत्यु बच्चों के होने हैं जो संशोज फादर करेंगे। कई दादियों के ऐसे एग्जाम्पल हैं कि शरीर छोड़ दिया है, बाबा की याद में वतन में पहुंचे हुए हैं, बाबा कह रहे हैं कि बच्ची नीचे जाओ, तुम्हारा बच्ची कह रही है कि मैं बाबा नीचे शरीर में जाऊं, बाबा कहते हैं कि बच्ची आपका तो शरीर छूट गया है। ऐसी ऐसी याद में दादियों ने शरीर छोड़े हैं। तो बाबा ने कहा है सभी का एक जैसा नहीं होगा, कई ऐसे बच्चे भी हैं जिन्हों का ड्रामा के अंदर इस मृत्यु के अनोखे पाठ का गायन सन शोज फादर करेगा। यह भी वही कर सकेंगे जिनमें एक विशेष गुण होगा, यह पाठ भी बहुत थोड़ों का है, अंत तक भी बाप की प्रत्यक्षता करते जाएंगे। एक एक चरित्र भी उनकी मृत्यु भी क्या करेगी, शरीर छोड़ने का जो पाठ भी होगा वो भी क्या करेगा, तो सेवा करेगा, प्रत्यक्षता करते जाएंगे। यह भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट्स है, क्योंकि बाबा ने जब लास्ट में मुरली के लास्ट में पहुंचेंगे, पहले भी कहा कि बाबा ने जो फाइनल जो रिजल्ट सुनाया है उसमें यह भी रिजल्ट आएगा कि सेवा का हमारा चार्ट कैसा रहा लास्ट तक। बाबा कहते हैं यह भी बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, अंत घड़ी भी बाप का शो होता रहेगा। ऐसी आत्माएं जरूर कोई पावरफुल होंगी जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा। बाबा कहते हैं ऐसा पाठ भी उन्हीं का रहेगा जिनका बहुत समय से अशरीरी रहने का अभ्यास होगा, वह एक सेकंड में अशरीरी हो जाएंगे। मानो अभी आप याद में बैठते हो, कैसे भी विघ्नों की अवस्था में बैठते हो, कैसी भी परिस्थितियां सामने होते हुए भी बैठते हो, लेकिन एक सेकंड में सोचा और अशरीरी हो जाएंगे। ये भी हमारे लिए विशेष अटेंशन का पॉइंट है। हम अपने दिन में कोई कहीं भी कैसी भी परिस्थिति होए, खासतौर पर जब परिस्थितियां हमारे विपरीत अनुभव हुए, उस स्थिति में अपने को हम चेक करें कि क्या मैं एक सेकंड में अशरीरी हो पा रही हूँ। बाबा कहते हैं वैसे तो एक सेकंड में अशरीरी होना बहुत सहज है, लेकिन जिस समय कोई बात सामने हो, कोई सर्विस के बहुत झंझट सामने हो, परंतु प्रैक्टिस ऐसी होनी चाहिए जो एक सेकंड, सेकंड भी बहुत है, बाबा कहते हैं सेकंड भी बहुत है, सोचना और करना साथ साथ चलें, सोचा और किया, सोचने के बाद पुरुषार्थ ना करना पड़े,
अभी तो आप सोचते हो, तब उस अवस्था में स्थित होते हो, लेकिन ऐसा जो होगा उसका सोचना और स्थित होना साथ में होगा, सोच और स्थिति में फर्क नहीं होगा। सोचा और हुआ, ऐसे जो अभ्यासी होंगे वही सर्विस करने का पान का बेड़ा उठा सकेंगे। ऐसे कोई निमित हैं लेकिन बहुत थोड़े। ये बाबा हमारी अवस्था पे बात भी कर रहे हैं कि हमारी जो है अशरीरी होने का जितना जितना अभ्यास होगा, बाबा कहते हैं कि उसी से जिनका अभ्यास होगा वही सर्विस का पान का बेड़ा उठा सकेंगे। मेजॉरिटी नहीं है, माइनॉरिटी है, उनों के ऊपर यहाँ ही फूल बरसाएंगे। ऐसे जो पास विद ऑनर होंगे उन्हीं के ऊपर जो द्वापर के भक्त हैं वह अंत में इस साकार रूप में फूलों की वर्षा करेंगे। जो अंत तक सन शोज फादर करके ही जाएंगे, ऐसा सर्विसेबल मृत्यु होगा। मृत्यु भी सर्विस के लिए होगा। इस मृत्यु से भी सर्विस होती है। सर्विस के प्रति बच्चे ही निमित्त है, ना कि माँ बाप। वह तो गुप्त रूप में है। सर्विस में माता पिता बैकबोन है और बच्चे सामने हैं। इस सर्विस के पार्ट में माता पिता का पार्ट नहीं है, इसमें बच्चे ही बाप का शो करेंगे। यह भी सर्विस का अंत में मेडल प्राप्त होता है। ऐसा मेडल ड्रामा में कोई कोई बच्चों को मिलता है। ऐसा मेडल ड्रामा में कोई कोई बच्चों को मिलना है। अभी हर एक अपने आप से जज करें, अपने आप से जज करें, हम ऐसा मेडल प्राप्त करने लिए निमित्त बन सकते हैं। 10 सेकंड हम इस बात को सोचते हैं। कि क्या हम ऐसा मेडल प्राप्त करने के निमित्त बन सकते हैं? ऐसे नहीं सिर्फ पुरानी बहनें ही बन सकेंगी, कोई भी बन सकते हैं। नए नए रत्न भी हैं जो कमाल कर दिखाएंगे। अभी सर्विस में नवीनता लानी है, अभावा सेवा की बात कर रहे हैं। अभी सर्विस में नवीनता लानी है, जैसे अपने में नवीनता लाते हो वैसे सर्विस में भी नवीनता लानी है। नवीनता लाने की 5 बातें याद रखनी है जो बाबा ने बताई थी। 5 बातें बाबा ने उसमें कहा था, एकता की बात की थी बाबा ने, स्वच्छता की बात की थी, महीनता की बात की थी, मधुरता की थी और महानता की थी। बाबा ने कहे सभी के मुख से यह निकले कि यह कहाँ से आई है, जैसे शुरू में निकलता था, परंतु शुरू में वाणी का बल नहीं था। अभी तुमको वाणी का बल है, लेकिन अलौकिक स्थिति का बल गुप्त हो गया है, छिप गया है। बाबा कह रहे हैं, कंट्रास्ट बता रहे हैं कि पहले जो है अलौकिक स्थिति का बल जो था वो प्रत्यक्ष था, और अभी क्या हो गया है, कहते हैं अलौकिक स्थिति का बल गुप्त हो गया है, छिप गया है, इसलिए अब फिर से ऐसी अलौकिकता सभी को दिखानी है, जो सभी महसूस करें कि जैसे शुरू में भट्टी से निकली हुई आत्माएं कितनी सेवा के निमित्त बनी, अब फिर से सृष्टि के दृश्य को चेंज करने के निमित्त बनी है। उनसे अभी की सर्विस बड़ी है। बाबा कहते कि जो पिछली सर्विस से अभी की सर्विस बड़ी है, तो ऐसी शक्ति रूप और स्नेह रूप बन जाना है। कितने भी हजारों के बीच खड़े हों तो भी दूर से
अलौकिक व्यक्ति नजर आओ, कितने भी हजारों के बीच खड़े हो तो भी दूर से अलौकिक व्यक्ति नजर आओ। जैसे साकार रूप के लिए वर्णन करते हैं, कोई भी अनजान समझ सकता था कि यह कोई अलौकिक व्यक्ति है। हजारों के बीच में वह हीरा चमकता था, तो फॉलो फादर। उन्हों के वाइब्रेशन अपने में नहीं लाना, अटेंशन के चाह रहे हैं बाबा, उन्हों के वाइब्रेशन अपने में नहीं लाना, अपने वाइब्रेशन से उन्हों को अलौकिक बनाना, यही नवीनता लानी है। अभी सर्विस के कारण कुछ संसारी लोगों में मिक्स लगते हैं, सर्विस के प्रति संबंध में रहते भी न्यारा रहने का जो मंत्र है उसको नहीं भूलना। सर्विस के प्रति संबंध में रहते भी न्यारा रहने का जो मंत्र है उसको नहीं भूलना। अभी वह संबंध जो रखना था सो रख लिया। बहुत हो गया बाबा, कहते कि जो रखना था समय अनुसार वो कहते हैं कि सो रख लिया। अभी इस रीति संबंध रखने की भी आवश्यकता नहीं, वर्तमान समय किस तरह से रहना है उसके लिए बाबा डायरेक्शन देते। सर्विस कारण अपने को हल्का करने की भी जरूरत नहीं, वह समय बीत चुका। अभी लौकिक के बीच अलौकिक नजर आओ। अनेक व्यक्तियों के बीच अव्यक्त मुहूर्त लगे, वह अव्यक्त देखने में आए, आप अव्यक्त देखने में आओ, यह है परिवर्तन। शुरू में कोई के वाइब्रेशन अथवा संग में अपने में परिवर्तन लाते थे, इसलिए कहते थे ब्रह्मा कुमारी में हठ बहुत है, लेकिन वो हठ अच्छा था ना, उसके लिए एक टर्म दे रहे हैं, यह है ईश्वरीय हठ। इसलिए अब वाइब्रेशन के बीच रहते अपने को न्यारा और प्यारा बनाना, कह रहे बाबा भी, इसलिए अब वाइब्रेशन के बीच में कैसे रहना है, न्यारा और प्यारा बनना है। इतनी सर्विस नहीं करेंगे, प्रश्न पूछने बाबा, इतनी सर्विस नहीं करेंगे, सिर्फ वाणी से कुर्बान नहीं होते। बाबा गहराई में ले जा रहे हैं सर्विस की, वाणी सिर्फ वाणी से कुर्बान नहीं होते, आप लोगों ने कैसे कुर्बानी की, आंतरिक आत्म स्नेह से, क्योंकि उसमें जो बाबा के सामने भट्टी का, बाबा ने कहा कि 16 दिन था, 16 दिन की भट्टी चली थी, तो बाबा के सामने जो है आदि रत्न बैठे हैं, बाबा कहते कि उसमें क्या था, आंतरिक आत्म स्नेह कुर्बानी की थी, अपने को कुर्बान किया था बाबा पर। प्रजा तो बहुत बनाई लेकिन अब कुर्बान करना है, यह सर्विस रही हुई है। वारिस कम और प्रजा ज्यादा बनाई है, सेवा के रिजल्ट बता रहे हैं, वारिस कम और प्रजा ज्यादा बनाई है, क्योंकि वाणी से प्रजा बनती है, लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, बाबा कहते हैं वाणी से प्रजा बनती है लेकिन ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं, तो वारिस बनाने हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं बाबा, तो वारिस बनाने हैं। यह फर्स्ट स्टेज का पुरुषार्थ है, वाणी का जो पुरुषार्थ है वो फर्स्ट स्टेज का है। वाणी से किसी को पानी नहीं कर सकते, लेकिन स्नेह और शक्ति से 1 सेकंड में स्वाहा करा सकते हैं। यह भी अंत में मार्क्स मिलते हैं। वारिस कितने बनाए, प्रजा कितनी बनाई, वारिस भी किस वैरायटी और प्रजा भी किस वैरायटी की और कितने समय में बने, फाइनल पेपर आज सुना रहे हैं, किस किस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं
अब कहते हैं कि किस किस क्वेश्चन पर मार्क्स मिलते हैं। एक तो यह क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा, जो भी सुनाया कि वारिस कितने बनाए, प्रजा कितनी बनाई और किस क्वालिटी की बनाई और कितने समय में बनाई, ये फर्स्ट क्वेश्चन होगा। दूसरा बाबा कहते हैं, दूसरा सुनाया अंत तक सर्विस का शो, और तीसरी बात थी आदि से अंत तक जो अवस्था चलती आई है उसमें कितना बारी फेल हुए हैं, पूरा पोता मेल अनाउंस होगा, कितने बारी विजय बने और कितने बारी फेल हुए, और विजय प्राप्त की तो कितने समय में, कोई भी समस्या को सामना करने में कितना समय लगा, उनकी भी मार्क्स मिलेंगी। तो सारे जीवन की सर्विस और स्वस्थिति और अंत तक सर्विस का सबूत, यह तीन बातें देखी जाती हैं। ओके, जो तीन बातें देखी जाएंगी, एक तो सारे जीवन की जो सर्विस है और सारे जो ब्राह्मण जीवन के रूप में हमारी स्वस्थिति कैसी रही, और अंत तक सर्विस का सबूत, यह तीन तीन बातें देखी जाती हैं। यहाँ भी हर एक एक दो के सामने स्पष्ट देखेंगे कि इन तीन बातों का क्या क्या पोता मेल रहा है, और उनके सामने ला करके अपने रिजल्ट को भी पहले से ही चेक कर सकते हो, और जो कमी रह गई है उनको रिवाइज कर पूर्ण कर सकते हो। अभी भी अगर इन बातों की कमी हो तो भर लो। रहमदिल बाबा, मेकअप कर सकते हो, आधा घंटा में भी गाड़ी मेकअप हो जाती है। जो बाबा कहते हैं कि 6 घंटा भी नहीं चलते वह आधा घंटा में हो जाते हैं, इसलिए अब मेकअप करने का लास्ट चांस है। अंडरलाइन करने का पॉइंट, इसलिए अब मेकअप करने का लास्ट चांस है। अब रिजल्ट देखेंगे। जैसे शुरू में समाचार आते थे कि कितनी ऊंच आत्माएं हमारे पास आ पहुंची हैं, ऐसा समाचार फिर से आना चाहिए। हम सभी भट्टी में ही है, कोई हद की भट्टी नहीं, बेहद की भट्टी है, पूरा संगम योगी भट्टी है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा समाचार आना चाहिए कि जैसे शुरू में आता था, ऊंची आत्माएं हमारे पास आ पहुंची है। भट्टी का अर्थ ही है बदलना, भट्टी का अर्थ ही है बदलना। अच्छा, ओम शांति। अभी हम 1 मिनट साइलेंस में रहेंगे, फिर चिंतन मंथन अपने अपने वेटिंग रूम में करेंगे। ओम शांति।
ओम शांति। सब लोग अपना शेयरिंग कर सकते हैं। ओम शांति। तो आज बाबा ने कहा कि फाइनल पेपर है अंत मति सो गति, अंत में सहज रीति शरीर के भान से मुक्त हो जाए, यह है पास विद ऑनर की निशानी। लेकिन वह तब हो सकेगी जब अपना चोला टाइट नहीं होगा। अगर टाइटनेस होगी तो सहज मुक्त नहीं हो सकेंगे। तो टाइटनेस का अर्थ है कि किसी के साथ लगाव नहीं है। तो यह चेक करना है कि एक सेकेंड में हम इस चोले को छोड़ सकते हैं। बार बार अशरीरी होने का अभ्यास किया है तो जब सारे दिन में हमेशा अशरीरी होने का अभ्यास किया है, एक सेकेंड में शरीर में आना, एक सेकेंड में शरीर को छोड़ देना, तो ये होता है चोले को छोड़ने का, लूज चोला होने का अभ्यास। तो अगर कहीं पे भी देह भान में अटके हुए होंगे तो निकल नहीं पाएंगे। इसलिए इसी को एवर रेडी कहा जाता है कि जैसे ही कहा और एक सेकेंड में देह भान से न्यारे हो गए। जैसे प्रैक्टिकल में ब्रह्मा बाबा का उदाहरण था कि ऐलान निकला और उन्होंने चोले को छोड़ दिया। तो यही प्रैक्टिस हमें करनी है हर समय। बहुत बार सारे दिन में न्यारे होने की प्रैक्टिस होगी, एक सेकंड में न्यारे होने की, तो हम इस अभ्यास में पास हो पाएंगे, एवर रेडी हो पाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। चंदन भाई आप रूम नंबर 1 ज्वाइन कीजिए मैनुअली। मैंने असाइन किया था पर आप ज्वाइन नहीं कर। ठीक है जी, अभी सब शेयरिंग करते हैं। ओम शांति सभी भाई बहनों को। बाबा ने कहा कि कुर्बानी कैसे आती है, तो उसमें बाबा ने बहुत गहरी पॉइंट बताई कि आंतरिक आत्म इसमें स्नेह से ही क्या होना चाहिए, कुर्बानी आती है। दूसरी पॉइंट ये थी कि अगर प्रजा और वारिस में कैसे बनते हैं उसके बारे में बाबा ने कहा कि वाणी से प्रजा बनते हैं और ईश्वरीय स्नेह और शक्ति से वारिस बनते हैं। अच्छा, ओम शांति। और सेवा के लिए बाबा ने क्या बताया, कुछ मुख्य पॉइंट्स बाबा ने बताया करें। बाबा ने कहा कि अभी जो है ना, मतलब कुछ आत्माएं ऐसे भी हैं कि जो मृत्यु के जो उनकी मृत्यु होगी ना, तो तब भी उनसे उनकी मतलब सेवा होगी। मतलब उनकी आत्मा जब शरीर छोड़ेगी ना, जैसे दादियां ने अभी शरीर छोड़ा, तो उनकी मृत्यु से भी कितने लोगों की सेवा आई। उनकी जो स्थिति थी ना, बहुत अचल और अडोल थी और वो बिल्कुल बॉडी से डिटैच थी। तो बाबा ने बोला कि अंतिम घड़ी भी जो है ना, बाबा का शो ऐसे होता रहेगा वो, पर ऐसी आत्मा है ना, कोई कोई होएंगी पावरफुल। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। बाबा ने आज ये भी बोला है कि सर्विस के प्रति कौन निमित्त हैं, और मात पिता के बारे में भी बोला है, कुछ शेयर करेगा। ओम शांति। बाबा ने कहा कि सर्विस के निमित्त सिर्फ पुराने ही नहीं हो सकते, इसमें कोई भी नया नए बच्चे भी निमित्त बन सकते हैं, जो बाबा को प्रत्यक्ष कर सकेंगे अंतिम समय के पार्ट में। ओम शांति। अभी जैसे पहले बाबा ने बच्चों को ढूंढा, तो बाबा ने बच्चों को प्रत्यक्ष किया ना, तो बाबा ने बोला कि अभी जो सर्विस के निमित्त है ना, वो बच्चे होंगे, क्योंकि अब जो माता पिता है वो बैकबोन है, अब भी बच्चे सामने हैं, तो अभी बच्चों को बाबा को प्रत्यक्ष करना है। अभी बाबा ने ये सर्विस का हमें युक्ति बताया। जी बाबा ने बोला ना कि मात पिता बैकबोन है और बच्चे सामने।
सामने हैं, तो हम निमित्त होकर पाठ प्ले कर रहे हैं, पीछे से हमें माता पिता देख रहे हैं और शक्तियां दे रहे हैं। माता पिता और एडवांस पार्टी भी हमारा भी जब भी सेवा में जाते हैं तो हम सब निमित्त होकर सेवा करते हैं, शक्ति तो बाबा की कार्य कर रही है साथ में, तो ये ध्यान रखना है। जी बहुत अच्छा, और भी शेयर कीजिए पॉइंट्स आप लोग। बाबा ने कहा जब भी योग में बैठते हो तो एक सेकंड में अशरीर स्थिति का अभ्यास होना चाहिए। कोई भी समस्या हो या सेवा की हो या कोई भी पुरुषार्थ में विघ्न हो, मगर जब भी बाबा की याद में बैठते हो तो एक सेकंड में अशरीर का प्रैक्टिस होनी चाहिए। ओम शांति। ओम शांति। हाँ, आज बाबा ने सर्विस में नवीनता लाने के लिए 5 बातें बताई हैं कि एकता, स्वच्छता, महीनता, मधुरता और महानता। तो हमें भी वाणी तक, बाबा ने आगे बताया कि हम अभी तक वाणी तक बल नहीं था पहले, और अलौकिक स्थिति भी गुप्त हो गई थी। तो बाबा ने कहा कि अभी शक्ति से स्नेह रूप बन जाओ, हजारों के बीच में भी रहते भी अलौकिक व्यक्ति नजर आए बाबा जैसे। तो अभी हजारों के बीच में वो हीरा चमकता था, तो अभी आप लोगों को भी अपने अंदर ऐसी अलौकिकता लानी है जो हजारों के बीच में भी रहते हुए आपका अव्यक्त रूप दिखाई दे, और वो सामने वाला व्यक्त रूप में हो फिर भी आप अव्यक्त रूप में हो। ओम शांति। बाबा ने इसमें बहुत अटेंशन दिलाया। जी शेयर कीजिए। जी भाई जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी क्लियर है, हम सब सुन पा रहे हैं। शेयर कीजिए। बाबा ने बोला कि जैसे पहले भट्टी से निकल के जो दादियों ने सेवाएं की है उनको देख के दूर से लगता था कि ये कहीं दूर के लोग हैं, अव्यक्त लोग हैं, अलौकिकता उनकी नजर में आती थी, उसी तरह से हमको भी अब वाणी से परे की सर्विस में रहते हुए अपना अलौकिकता वाला व्यक्तित्व दिखाना है। हमारे देखने से ही पता लगे कि ये कहीं दूर के लोग हैं, क्योंकि बीच में इधर वाणी से बहुत ज्यादा लोगों ने सर्विस की है, जिससे वाणी से सर्विस करने में बाबा बोलते हैं कि प्रजा बनती है ज्यादा, लेकिन वारिस नहीं बन पाते हैं। वारिस तभी बनते हैं जब आपके अंदर ईश्वरीय स्नेह होगा, रहम दिल होगा, नम्रता होगी, और आप अपने उस व्यक्तित्व से, अपनी उस अलौकिकता से लोगों की सेवा कर सकेंगे, तभी आपके वारिस प्रजा के अलावा वारिस बनेंगे। तो बाबा वही कहते हैं कि अब वारिस बनाने के लिए व्यक्तित्व में अलौकिकता लाने की जरूरत है। वो उसी को होगा जो नम्रचित होगा और जिसमें स्नेह का, ईश्वरीय स्नेह का और मालिकपने का दोनों का एक बैलेंस होगा, और वे लोग ही ये सर्विस कर पाएंगे। ओम शांति। जी बहुत अच्छा शेयर किया आपने। बाबा यही हमें अटेंशन दिला रहे हैं कि जैसे आपने शेयर करा कि वो उसमें महानता होगी और परमात्मा स्नेह होगा, परमात्मा स्नेह से ही वो प्रत्यक्षता करा सकते हैं। जी शेयर कीजिए सिस्टर। ओम शांति। तो बाबा ये भी बोला है कि जो वाइब्रेशन फैलाना है, जैसे कि हम हजारों की संख्या में हम लौकिक के बीच में हम अलौकिक नजर आए, और फिर जब वाइब्रेशन फैलाना है तो उनके वाइब्रेशन हम पर नहीं लगे, लौकिक वालों को, हम जो अलौकिक है हमारी वाइब्रेशन उनको लगे। ओम शांति। हमें हमारा जैसे ऊंचा वाइब्रेशन वो पावे, और उनका जैसे लौकिक का वाइब्रेशन हम के ऊपर ना पड़े। ओम शांति। जी बाबा ने बोला है कि प्रभाव में नहीं आना है किसी के भी, हमें प्रभावित नहीं होना, उनको प्रभावित करना है। हमारे पास से वो अलौकिकता, दिव्यता दिखाई दे, रूहानियत दिखाई दे। ओम शांति। भाई जी,
बाबा ने ये भी कहा कि सर्विस के प्रति संबंध में रहते भी न्यारे रहने का जो यंत्र है, मंत्र है, उसको नहीं भूलना है। जी, अगर रेडी बोल के लिए बोला ना बाबा, जैसे ब्रह्मा बाबा ने एकदम अवर रेडी होकर दिखाया। बाबा ने इस मुरली में भी बोला कि ये ब्राह्मणों के रीति रस्म भी है कि एकदम से छोड़ के जाना है और इजी रहना है। एक पॉइंट और शेयर करूं भाई? जी, अभी शेयर कर सकते हैं, हमारे पास है अभी तो। बाबा ने आज ये भी बोला ना कि जब हमारा अंतिम पेपर होगा तो उसमें किन किन चीजों के हमें नंबर मिलेंगे। तो बाबा ने बोला कि एक तो अंतिम रिजल्ट में यह क्वेश्चन अंतिम रिजल्ट में होगा, दूसरा अंत में जो हमने सर्विस की होगी उसका शो होगा, और तीसरी बात बताई कि जो हमारी अवस्था है वो अंत तक कैसी रही, हम उसमें कितनी बार अप डाउन हुए, फेल हुए कि पास हुए, कितनी बार हम विजयी हुए, और हमने अपना जो पोता बेल है वो सही से रखा था कि नहीं रखा था, है ना। और सामना करने में जो कोई भी हमारे सामने जो भी कोई विघ्न आए उनको हमने समस्या का समाधान करने में कितना समय लगाया, मतलब जल्दी किया या थोड़ी थोड़ी किया जी। और अपनी जो सर्विस थी वो भी हमने अंत तक बाबा को सर्विस का सबूत भी देखा। सबूत बाबा ने बोला है तीनों बातें देखी जाती हैं। जी सिस्टर, आप शेयर कर रहे थे। ओम शांति भाई, इसी में आगे बाबा ने कहा कि इसमें ही चेक करना है कि कितनी बारी फेल हुए, पूरा पेता पूरा पोता मेल अनाउंस होगा उस समय लास्ट में, और इन्हीं बातों में को जो कमी है इन बातों की इसी को भर लेंगे, इसी को भरना, यही बाबा ने काम कहा है। तो इसलिए पूरा मेकअप लास्ट तक करके ही जाना है, लास्ट चांस है, ये मेकअप करने का लास्ट चांस है, तो इसमें ही अपना जो कमी है उसको भर लेना है अभी ही। और बाबा ने कहा कि भट्टी का अर्थ ही है कि अपने आप को बदल लो। ओम शांति जी, थैंक यू। और बाबा ने इसमें ये भी हमें दिलाया कि अभी मेकअप कर लो, मेकअप कर सकते हो, आधे घंटे में गाड़ी का मेकअप हो जाती है और 6 घंटे में भी नहीं, चलते हुए आधे घंटे में हो जाता है। तो अगर कुछ हो भी गया है तो या तो आधे घंटे में हम टर्न भी कर सकते हैं, अभी तो आधे घंटे से भी पहले हमें टर्न कर लेना है, तो टर्न कर लेंगे, बाबा ने इशारा दिलाया। थैंक यू। जी, और भी बस ब्रेकआउट रूम खत्म होने वाले हैं, कोई शेयर करना चाहता है तो कर सकता है। ओम शांति जी, अभिजीत भाई जी आप अनाउंस करेंगे। ओम शांति,
तो आप सबको पता ही है कि हर मास में हम कोई ना कोई गेस्ट, मतलब गेस्ट हमारे जो बड़े भाई बहन है ना, उनका हम एक क्लास रखते हैं अव्यक्त मुरली क्लब की तरफ से। जैसे कल हमारे एक क्लास होगा रामनाथ भाई जी जो मधुबन के है ना, तो वरिष्ठ भाई जी है और जिनको हमने बुलाया है। और जो अभी लेटेस्ट जो वाणी चली ना बाबा की, दुआएं दो दुआएं लो, उनकी कैसे लेना है क्या करना है, तो इनका थोड़ा सा विस्तार करके वो बताएंगे। तो ये बाबा के जो अव्यक्त मुरली की वो कई सारे पॉइंट्स हमें बताएंगे। तो इसके लिए सभी कल 5 से 6 बजे तक उनका क्लास रखा है। लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी लेंगे, तो आपको भी कुछ क्वेश्चन है तो जरूर बताना। और ये जो यूट्यूब लिंक और ये जूम आप सभी से शेयर कर सकते हैं। अभी हमने चैट विंडो पर भेजा है, आज दोपहर को सभी व्हाट्सएप ग्रुप में भी आ जाएंगे जो आप ना अव्यक्त मुरली क्लब के व्हाट्सएप ग्रुप, तो जरूर आप सभी के साथ शेयर करना, ठीक है। तो कल सुबह 5 बजे, हाँ सुबह इसी आईडी पर जी। कल सुबह 5 बजे या शाम को? कल सुबह। तो कल क्लास नहीं होगी भाई जी? संडे को बफर डे होता है ना, तो बफर डे के लिए। हाँ जी ठीक है भाई, थैंक यू। भाई जी दोपहर को भी कोई अव्यक्त मुरली का मंथन की क्लास होती है? नहीं होती है भाई जी। उनकी रिकॉर्डेड क्लास भी मिल सकती है क्या हमें? जी जी, इसका यूट्यूब में भी है, यूट्यूब में आप कभी भी देख सकते हैं। अच्छा ठीक है जी, ओके, ओम शांति। ठीक है भाई जी, मुझे लगता है कंटिन्यू करना। ओम शांति जी। भोपाल भाई जी आप होमवर्क भी देवे और 2-3 मिनट जॉब भी करावे। ओम शांति। आज का जो होमवर्क रहेगा हमारा, जो बाबा ने हमें लास्ट के जो 3 पेपर कहे हैं, सर्विस की बाबा ने के जो सारे जीवन की जो सर्विस अभी तक की जो सर्विस है हमारी, वो चेक करेंगे। दूसरा स्वस्थिति ब्राह्मण बनने के बाद वर्तमान तक हमारी कैसी है, और अंत तक सर्विस का सर्वोत्त, ये 3 चीजें हम विशेष आज चेकिंग करेंगे। और एक जो बाबा ने हमें पॉइंट और दिया है कि जो चोला है जो हमारा टाइट है या लूज है, तो इस चीज में चेकिंग करेंगे कि कहाँ कहाँ अगर टाइटनेस है तो किन किन चीजों में है, और उनके लिए हम अपना जो पुरुषार्थ किस तरह से शरीर होने कर रहे हैं उसमें कितना हमें गति देनी है, इसके ऊपर पुरुषार्थ करेंगे। तो और अब योग की तरफ चलते हैं। सभी अलर्ट अव्यक्त स्थिति में अपने को स्थित करते हैं। मैं भ्रिकुटि कुटिया में विराजमान चैतन्य चमकता हुआ सितारा, इस देह रूपी चोले में मेहमान अवतरित एक सेकंड में स्वयं को देह से अलग करते हुए अपने को परम धाम में स्थित करते हैं। सामने सर्वशक्तिवान शिव बाबा 10 सेकंड भावा से सर्वशक्तियों की किरणें लेंगे।
सर्वशक्तियों से अपने को भरपूर, कर्मे आत्मा, एक सेकंड में इस देह रूपी छोले के अंदर चमकता हुआ अव्यक्त सितारा। ओम शांति। थैंक यू बाबा, थैंक यू आप सभी का भी। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, थैंक यू बाबा, हैव अ नाइस डे, गुड डे ऑल मेंबर्स, थैंक यू बाबा, थैंक्स परिवार, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू बाबा, गुड मॉर्निंग, शांति, थैंक यू बाबा, थैंक यू भाई जी, गुड मॉर्निंग, थैंक यू बाबा, आप सबका गुड डे, थैंक यू।